वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। यूं तो हमारे देश में कदम कदम पर कई मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा और चमत्कार भी होते रहते हैं। वहीं शिव जी एक ऐसी शक्ति है जिनके साथ हमारी आस्था सदैव जुड़ी रही है। शिव के मंदिरों से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं भी काफी लोकप्रिय रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी शिव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। झारखंड के रामगढ़ का टूटी झरना मंदिर देवीय शक्ति का अनोखा चमत्कार है। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक कोई और नहीं स्वयं मां गंगा करती हैं। और तो और मां गंगा द्वारा ये जल अभिषेक साल के 24 घंटे होता है। सवाल तो ये है कि आखिर ये पानी अपने आप कहां से आ रहा है, ये पानी कभी सूखता क्यों नहीं है। ये सारे सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं और इन्हीं रहस्य को सुलझाने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने टूटी झरना मंदिर पहुंचकर पड़ताल की। देखिए रिपोर्ट। भगवान को कोई माने या ना माने, लेकिन वो अपनी शक्ति और मौजूदगी का एहसास करा ही देते हैं। एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर झारखंड में मौजूद है जो दैवीय शक्ति का अनोखा चमत्कार है। वैसे तो दुनिया में भगवान शिव के बहुत सारे चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों की मान्यता या रहस्य के बारे में सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ऐसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हमेशा से ही भक्तों की आस्था का केंद्र रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं स्वयं मां गंगा करती हैं। मंदिर की खासियत ये है कि यहां जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे होता है। ये पूजा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग है और उसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा की नाभि से आप रूपी जल निकलता रहता है जो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। नेटवर्क 10 इस समय मौजूद है रामगढ़ जिला के टूटी झरना में। टूटी का अर्थ होता है नाभि और नाभि से पानी स्वतः निकलता उस मंदिर में इस समय नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है। और आपको कैमरा के नजर सबसे पहले दिखाना चाहेंगे यहाँ के अपने दर्शकों को, नेटवर्क 10 के दर्शकों को, यह मंदिर आप देख ले, यह टूटी झरना मंदिर है। यह भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है जो कि काफी प्राचीन है। यह मंदिर 1925 में जब यहाँ पर रेल निर्माण कार्य चल रहा था तब यह गर्भ जमीन खोदकर रेलवे ठेकेदार के द्वारा इस मंदिर को निकाला गया था। लोगों का कहना है यह मंदिर भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह मंदिर जो है ये अपने आप में काफी अनोखा है। अनोखा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में यही एक पहला मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना रामगढ़ जिला में स्थापित है। इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और पताल शिव स्थापित है। यह स्वरूपीय कहा जा रहा है यहाँ के लोगों का कहना है और इतिहास में भी इसका वर्णन साफ शब्दों में किया गया है।
विष्णु जी का नाभि से स्वतः जल जो है अपने आप निकलता है, जो सीधा जलाभिषेक शंकर जी के शिवलिंग पे जाता है। हमारे साथ में नेटवर्क 10 के साथ में यहाँ के पुजारी जो है महंत है, उनसे जानने का कोशिश करेंगे क्या मान्यता है इस मंदिर का और क्या कहेंगे पूरा मंदिर के बारे में, क्या कहेंगे बाबा इस मंदिर के बारे में पूरा। देखिए बाबा, इस मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। ये भगवान विष्णु के नाभि से ये मंदिर आप जो देख रहे हैं पूरा जमीन का गर्भ में ही स्थित, मतलब कि जमीन का गर्भ गृह से एक तरह से निकला हुआ है। यह मंदिर जो है जब रेलवे लाइन गोमो टू बड़का काना बन रहा था, रेलवे लाइन बिछ रहा था, तो मट्टी खुदाई करके और यहाँ से ले जाया जा रहा था पटरी में बिछाने, लाइन में बिछाने के लिए, तो उसी दरमियान मजदूरों को इस बड़ा सा गुंबज दिखाई दिया ऊपर वाला हिस्सा। जब गुंबज दिखाई दिया तब पुनः ठेकेदार को सूचना दिया, ठेकेदार जो है गुजरात के रहने वाले थे रामजी बालाजी परमारकच्छी। ठेकेदार पुनः इस स्थान पर आया और जहाँ पे वो कार्य कर रहे थे, जैसे कि मतलब कि काम करते थे फिर धस जाता था, वह बहुत बेचैन भी थे, परेशानी में थे। तो जब गुंबज जब यहाँ पता चला कि ऊपर कुछ यहाँ पर टीला टाइप का बना हुआ है, तो उन्होंने पुनः आया और जब इस स्थल पर जब पहुँचे तो देखें कि वो मंदिर का प्ररूप उन्होंने भलीभांति रूप से साफ सुथरा करवाया। मंदिर का प्ररूप निकला और पूर्व दिशा में की ओर तीन दरवाजा, मुख्य तीन दरवाजा मिले, बीच में बरेंडा, फिर नीचे पताल शिवलिंग, यानी छह आप सीढ़ी नीचे उतरिए, उसके बाद शिवलिंग जो है नीचे पताल शिवलिंग है, अंदर में विष्णु भगवान जो है, मतलब कि विष्णु भगवान के नाभि से ही माँ गंगा जल अभिषेक शिवलिंग के ऊपर 12 महीने 24 घंटा करते रहते हैं बाबा। यह शिवलिंग आप देखते हैं उत्तर में नदी है, पूर्व में शमशान घाट है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ उनका सर्व मनोकामना परिपूर्ण होता है। यहाँ यज्ञ पवित्र यज्ञ संस्कार वगैरह सब जो है पूर्ण बराबर होते रहता है, चलते रहता है। जैसे यज्ञ पवित्र हो गया, विवाह हो गया, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, जो भी है अनेक तरह के सभी का, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। कालों के काल महाकाल सब संकट को हरने वाले बाबा भोलेनाथ हैं। यहाँ रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, ताप, हवन, यज्ञ, विवाह संस्कार जो है सबसे अधिक मात्रा में विवाह संस्कार जो है संपन्न होता है, बस चलते रहता है वो। चल, निश्चित तौर पर यह मंदिर जो है मनोकामना के लिए भी कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, प्राचीन शिव मंदिर में आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर से अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, यह मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, किसी मिस्त्री के द्वारा ये बनाया गया नहीं है, स्वतः भगवान विश्वकर्मा के द्वारा यह बनाया गया मंदिर है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो यह दूसरा मंदिर कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है विष्णु जी के नाभि से स्वतः जल जो है अपने आप निकलता है। कई वैज्ञानिक यहाँ पर आकर देख गए, पानी का अब तक लोगों ने पता नहीं लगा पाया कि पानी विष्णु जी का नाभि से कहाँ आता है। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर से ये सरोवर है, ये काफी अनोखा है। यहाँ के टोटी झरना मंदिर को अपने आप में एक अलग छवि दे रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी सालों भर रहता है उत्तर दिशा में और ये टोटी झरना पूरा ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र की बात करें तो ये पर्यटक विभाग अब तक यहाँ पर विकास के तौर पे कहा जाए तो विकास के तौर पे कुछ भी अभी यहाँ पर नहीं हुआ। इक्का दुक्का यहाँ पर शादी के मंडप बनाया गया है, रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया, लेकिन अभी यहाँ पर पर्यटक विभाग को चाहिए इस मंदिर को ध्यान दे जिससे यहाँ पर एक पर्यटक स्थल का पर्यटक जगह भी बहुत ही सुंदर बन सकता है और यहाँ से सरकार का राजस्व भी जा सकता है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को टूटी झरना मंदिर पे विकास के मुद्दा पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है। रामगढ़ से नेटवर्क 10 के लिए मैं अनुज कुमार। आखिर ये जल अपने आप में कहां से आ रहा है, ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा करती हैं। यहां लगाए गए दो हैंडपंप भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। यहां लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि इसमें से अपने आप ही हमेशा पानी नीचे गिरता रहता है।
वहीं मंदिर के पास से ही एक नदी गुजरती है जो सूखी है, लेकिन भीषण गर्मी में भी इन हैंडपंप से पानी लगातार निकलता रहता है। लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि टूटी झरना मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। भक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं। इसे ग्रहण करने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क टाइम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस मंदिर का इतिहास 1925 से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि जब अंग्रेज इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तो उनको इस मंदिर के अस्तित्व का पता चला। 1925 में मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कुतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन भक्तों का मानना है कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा करती है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मंदिर प्राकृतिक परिवेश के बीच में स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर रामगढ़ कैंटोनमेंट इलाके से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का मुख्य रोचक पहलू ये है कि यहाँ एक नहर के माध्यम से एक नदी बहकर जाती है और सीधी भगवान शिव की शिवलिंग पर गिरती है। परिवार के साथ जाने के लिए यह स्थल एक आदर्श स्थान है। दोस्तों के साथ भी इस स्थल की सैर की जा सकती है। ये प्राचीन काल का ही मंदिर है। द्वापर या त्रेता या सतयुग या तो भगवान विश्वकर्मा जी बनाए होंगे। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं बगल में, यह मंदिर पूरा जमीन का गर्भगृह यानी पूरा मट्टी से ही ढका हुआ था, वीरान रूप में था। जब रेलवे लाइन गवमोट बड़का काना रेलवे लाइन बन रहा था तो इधर से मट्टी खुदाई करके बगल से ही पटरी रेलवे लाइन गुजरा हुआ है तो वह पटरी में बिछाने के लिए मट्टी को ले जाया जा रहा था। तब ऊपर वाला गुंबद जो है मजदूर को दिखाई दिया और मजदूर जो है पुनः ठेकेदार को सूचना दिया इस जगह पे ऐसा कुछ बना हुआ है, कारण कि इस अगल बगल में घर द्वार कुछ भी नहीं हुआ करता था
जब ठेकेदार को जब सूचना मिला कि कुछ ऐसा निकला हुआ है मंदिर के जमीन का गर्भ में, तो उन्होंने ठेकेदार पुनः इस जगह पे स्थान पर आया और ऊपर वाला जब गुंबज देखा मंदिर का प्ररूप जब उन्होंने देखे, तो पुनः और मजदूर लगा करके विधि पूर्वक उन्होंने साफ सुथरा करवाया जो मंदिर का पूरा प्ररूप निकला। उसके बाद मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में 3 मुख्य दरवाजा निकला, उसके बाद बीच में बरेंडा, फिर नीचे पताल शिवलिंग आने के 6 को सीढ़ी नीचे उतरिए, उसके बाद अंदर में जो है शिवलिंग मिला। शिवलिंग के जस्ट ऊपर भाग में भगवान विष्णु का प्रतिमा जो माँ विष्णु के दोनों हाथों के द्वारा शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक 12 महीना 24 घंटा कंटिन्यू जल से अभिषेक होते रहता है। बाबू यह पताल शिव है, उत्तर में नदी है, सामने पूरा में शमशान घाट है। और जो रेलवे का ठेकेदार थे सन 1925 में ठेकेदार का था रामजी बालाजी परमार कच्छी गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने सन 1925 में पुनः दोबारा जीवन उद्धार प्राण प्रतिष्ठा करवाए। तब से बाबा पूजा अर्चना जो है चल रहा है, जो भी लोग भक्त जन आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। आप अंदर आराम से देख सकते हैं विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के नाभि से माँ गंगा जो है जल अभिषेक कंटिन्यू 12 महीना 24 घंटा करते रहते हैं। शिवा ऊपर गंगा धारा और गले सर्प माला, मतलब कि भगवान शिव का जो है कि सर्प देवता भी एक नहीं अनेक, कोई भी सबको तो दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसा जो आस्था और विश्वास भगवान के प्रति रखते हैं जो लोग आते हैं उनका साक्षात रूप से भगवान भोलेनाथ जो है कि नाग और नागिन दोनों साक्षात रूप से दर्शन होता है। बाबा जानना चाहेंगे पानी कहाँ से आता है, ये पताल शिव है बाबा, मतलब कि जल कहाँ से आ रहा है, बहुत सर्च किया गया लेकिन इसका कोई पता नहीं बाबा कि जल कहाँ से आ रहा है। जल तो यही है कि विष्णु भगवान के नाभि से पूर्ण जल अभिषेक होते रहता है, लेकिन जल कहाँ से आता है इसका तो अभी तक तो कोई पता नहीं चला है बाबा। उत्तर में आप देखिएगा उत्तर दिशा में नदी बही हुई है, नदी भी बैसाख जेठ में जो है ये सूख जाती है, लेकिन बाबा वाला जल से ही यहाँ मंदिर का पीछे से जल जो है नदी चालू रहता है, पीछे से उधर पूरा सूखा हुआ पड़ा रहता है बाबा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जैसा कि भक्तजनों आपको पता है, मैं झारखंड के रामगढ़ में टूटी झरना नामक मंदिर में आए हैं। टूटी झरना मतलब भगवान शंकर जी को समर्पित मंदिर है और इसके आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, बस सिर्फ एक सरोवर है। और कहते हैं कि पता नहीं अनादिकाल से भगवान भोले का जलाभिषेक माँ गंगा स्वयं करती रहती हैं, दिन रात 24 घंटे 24 आवर्स उनका अभिषेक होता ही रहता है। साइंस ने भी बहुत कोशिश करी कि ये पता करें कि वो जल आता कहाँ से, लेकिन साइंस भी अपने को नाकाम पाया साइंस ने भी, और अब हम भी उसी को देखना है। और आसपास के जितने भी नलकूप हैं उनमें भी बिना हत्था चलाए स्वयं ही जल का प्रवाह होता रहता है, तो इसका नाम है टूटी झरना। तो शहर से तो 10-15 किलोमीटर दूर है, तो हमने भगवान भोले के दर्शन किए। और जैसा कि आपको बताया कि प्रभु की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर है, आज भी अभी हम इस मंदिर में होके आए हैं तो सिर्फ हम 3 ही जने थे, दोनों पुत्र और मैं, बाकी और बाद में भक्त आए हैं। और ऐसे ही छिन्नमस्तिका माता के मंदिर में भी थे, तो हम तो कहते हैं कि भगवान की कृपा सब पर ऐसी ही बनी रहे, और सभी जो भी झारखंड के रामगढ़ में आए वो टूटी झरना भी आए, छिन्नमस्तिका माता के दर्शन को भी आए। बम बम भोले। बाबा विश्वकर्मा का प्राकृतिक बनाया हुआ मंदिर है जो आस्था से पूर्ण रूप से समर्पित है, और यहाँ पे जो है भैरव जी के नाभि से शिवलिंग पे जो है 24 मंथ जो है जल आप रूपी गिरते रहता है, जो कि इसके पीछे बहुत पूर्व जो है लोग खुदाई भी किया गया लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, आप रूपी ये जल गिरते आ रहा है। शिवलिंग में जलाभिषेक 24 घंटा होते रहता है, इसका जल का स्रोत का को जानने के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन किसी तरह का कृत्रिम इसमें जोड़ घटाव नहीं किया गया है, स्वरूप अपने आप उस पर जलाभिषेक होते रहता है। यहाँ काफ़ी मशहूर है, शादी विवाह मंदिर परिसर में होते रहता है, काफ़ी लोग प्रभावित हैं इस मंदिर से, और भी प्रशासन का भी ध्यान इस ओर आया है, कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं, शादी विवाह स्थल भी बनाया गया है, साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
मेरे पूर्वज जो लंबे समय से प्रसादी बेच रहे थे, आज भी हम प्रसादी बेच रहे हैं। और इस मंदिर का जो विकास आज तक नहीं हो पाया है ना, सरकार इस पर नज़र रखा जाए। और मेरे पूर्वज ये जो बना के गए हैं, ये बहुत बहुत कह नहीं सकता है, इनके बाबा का कृपा है और ये वरदान है कि हम इसका विवरण नहीं कर सकते हैं। आज हम ये बाप दादा बेचे और हम यहाँ बेच रहे हैं, आज ये हैंडीकैप हैं, आज भी हम प्रसादी बेच रहे हैं, इस पर सरकार नज़र रखा जाए। रामगढ़ जिले में स्थित पुरातन शिव मंदिर टूटी झरना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास 1925 से संबंधित है। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय इस स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और जब जल प्राप्ति के लिए खुदाई की जा रही थी तो उस समय जमीन के अंदर से गुम्मद नुमा चीज नजर आई। इसके बाद खुदाई करने पर ये मंदिर पूर्ण रूप से दिखाई दिया। और उससे भी आश्चर्य वाली बात तो ये है कि मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा भी मिली। देवी गंगा की नाभि से प्रकृति तौर पर जल की धारा निकलकर उनके हाथों की हथेलियों से होकर शिवलिंग पर अभिषेक कर रही है। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।